अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग है नलतरवेली। नलतरवेली गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन वादियों में से एक खूबसूरत तरीन वादी है, जो कि हर मौसम में अपने खूबसूरती से आने वाले सियाह के दिलों को अपने मोहब्बत में गिरफ्तार कर देता है। नलतरवेली गिलगित मेन सिटी से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़िया है। नलतरवेली विंटर सीजन में एक इंटरनेशनल स्की स्पोर्ट का कई सालों से इनेकाद कराता है, जो कि बहुत मशहूर है। आज हमारा विजिट भी स्की स्लोप आपको दिखाने के लिए था, जो कि बहुत मज़ेदार टूर हो गया। यकीनन आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अगर आप नलतरवेली आना चाहते हैं तो आपके पास विंटर सीज़न के लिए अच्छे खासे गर्म कपड़े होना चाहिए। अगर आप समर सीज़न में आना चाहते हैं तो हल्की फुल्की जैकेट से काम चलेगा, मगर इस सीज़न में आपके पास गरम फुल किट का होना लाजमी है। और मैं आपको अपने साथ ग्लव और गरम मफलर भी साथ लाने का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अच्छा खासा सर्दी यहाँ होती है। अगर हम बात करें रूट्स और ट्रांसपोर्ट निज़ाम का, जो कि आपको KKH रहीम आबाद या चुतल वैली से सफारी जीप और दूसरी गाड़ियां भी किराए के लिए दस्तियाब हैं। अगर आपका अपना गाड़ी ना हो तो KKH रहीम आबाद या चुतल से बुक करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास अपना गाड़ी हो, KKH से मुड़कर नॉर्मल वैली के तरफ जाते हुए नलतर के लिए रास्ता है, जो कि रिसेंटली बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। यहाँ ट्रैवल करते वक्त एहतियात से ड्राइव कीजिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। जब आप नलतरवेली आ जाएंगे तो स्की स्लोप पे भी लाजिमी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि ये एक नहायत खूबसूरत और इंटरनेशनल तौर पर स्की स्लोप है। नलतरवेली में रिहाइश के लिए अच्छे खासे होटल्स मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपने राय से हमें आगाह कीजिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।